नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह की वेबसाइट्स का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूं। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, कोई भी फेक न्यूज मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करता। आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 84वां वीडियो है और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए ताकि ऐसे वीडियोस के लिए आपको बार बार हमारे चैनल को सर्च करना ना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी 2021 में होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 10 जनवरी से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2021 के पहले कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे और सीधे आईपीएल 2021 में खेलते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धोनी फिर से गलती कर रहे हैं और क्या उनका यह फैसला चेन्नई सुपर किंग्स को भारी पड़ सकता है, क्योंकि आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स का काफी खराब प्रदर्शन रहा था और महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिसका वजह था क्रिकेट से लंबे समय से दूर रहना। और फिर महेंद्र सिंह धोनी अब सीधे आईपीएल खेलेंगे और हो सकता है कि उनका यह फैसला फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्लंडर साबित हो। धोनी के इस फैसले का विपरीत उन्हीं के टीममेट सुरेश रैना ने रिटायरमेंट छोड़कर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने का फैसला किया ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आईपीएल 2021 के पहले। धोनी का फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, पिछले 2 साल से भुवनेश्वर कुमार काफी ज्यादा इंजरी से परेशान। आईपीएल 2020 के शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आईपीएल के बीच में टीम को छोड़कर वापस भारत आना पड़ा था और उसी चोट की वजह से वह भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए। आपको बता दें कि फिलहाल भुवनेश्वर कुमार बैंगलोर के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में है और रिकवर हो रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि भुवनेश्वर कुमार आने वाले आईपीएल 2021 में ही खेल पाएंगे और उसके पहले वह कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि भुवनेश्वर कुमार की वापसी आईपीएल 2021 में होगी और वह आईपीएल खेलेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ने वाले हैं और आईपीएल के अगले संस्करण के पहले वह दूसरी टीम ज्वाइन कर लेंगे। इस अफवाह को खंडित करते हुए और गलत साबित करते हुए डेविड वार्नर ने ऑफिशियल तरीके से यह ऐलान किया है कि केन विलियमसन कहीं नहीं जा रहे हैं और जितनी भी अफवाहें हैं वह गलत हैं। केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद का अगले साल भी हिस्सा रहने वाले हैं। डेविड वार्नर और केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे अहम खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत टीम आईपीएल 2020 में तीसरे पोजीशन पर पहुंची थी। वैसे आपको बता दें कि डेविड वार्नर अभी ग्रोइंग इंजरी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से वह पहला और दूसरा टेस्ट मैच भारत के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। वह तीसरे टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी टिम सीफर्ट ने हाल ही में पाकिस्तान से हुए T20 सीरीज में काफी शानदार प्रदर्शन किया और सबसे अधिक रन बनाए। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने यह हिंट दिया है कि वह इस खिलाड़ी को अपनी टीम में साइन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि टिम सीफर्ट कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, जिसके बाद उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलने का मौका मिला पर वह चोटिल हो गए, जिसके बाद अली खान उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि एक टीम है जिसकी येलो जर्सी है, वह उन पर नजर रखी हुई है। सिर्फ ब्रेंडन मैकुलम ही नहीं बल्कि और भी टीम है जो उन्हें साइन करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, सुरेश रैना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिनका भी यह सवाल था कि क्या सुरेश रैना अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे या तो किसी और टीम से खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुरेश रैना आईपीएल 2021 में खेलेंगे या तो कंफर्म है, और वह चेन्नई की टीम से खेलेंगे इस बात की पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल ने की है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल ने कहा है कि वह सुरेश रैना को रिलीज नहीं कर सकते हैं और कोई चांस ही नहीं है कि सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ दे। हालांकि आपको बता दें, यदि चेन्नई सुपर किंग्स फिर से सुरेश रैना को अपनी टीम में शामिल करेंगे तो सुरेश रैना को एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि अक्टूबर 2020 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था क्योंकि सुरेश रैना चेन्नई की टीम को छोड़कर वापस भारत आ गए थे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, आपको पता है कि अभी बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं जिसमें बिग बैश लीग भी शामिल है, और लीग को लेकर बहुत ही अटपटा सा नियम देखने को मिला है जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश के खिलाड़ियों को बायो बबल से बाहर जाकर बाल कटवाने से मना किया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिडनी में फिर से कोरोना के केस में इजाफा आया है, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सतर्क होते हुए और खिलाड़ियों की सुरक्षा की वजह से ऐसे नियम बनाए। ऐसा नहीं कि वह बाल नहीं कटवा सकते हैं, बस बायो बबल से बाहर जाकर बाल कटवाने से मना किया गया है, नहीं तो यदि कुछ ऐसा वैसा होता है तो पूरी लीग खतरे में आ जाएगी।
चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह खबर निकल कर आ रहा है एस श्रीसंत को लेकर। एस श्रीसंत का केरला के 15 मेंबर टीम में सिलेक्शन हो चुका है, और सिर्फ उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है बल्कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे। आप स्टार स्पोर्ट्स पर सभी मैच को देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के, और यदि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है तो हो सकता है कि श्रीसंत आईपीएल 2021 के ऑक्शन में अपना नाम देते हुए भी देख सकते हैं, और आईपीएल 2021 में उनकी एंट्री लगभग कंफर्म हो सकती है। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है मिनी ऑक्शन को लेकर। बीसीसीआई ने एजीएम की मीटिंग में पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि इस बार हमें मेगा नहीं बल्कि मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा, और क्योंकि अब मिनी ऑक्शन होगा तो सारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से हमें बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के लिए मिनी ऑक्शन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली आईपीएल 2020 के टॉप परफॉर्मर्स थे, उनकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो ऐसे में बाकी सारी फ्रेंचाइजी चाह रहे थे कि अगर मेगा ऑक्शन होता तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन कर पाते और आरटीएम के कार्ड को लगाकर वह 5 प्लेयर को रिटेन कर पाते और उनकी टीम ब्रेक होने से बाकी टीमों को फायदा हो जाता, और क्योंकि अब मिनी ऑक्शन होने वाला है तो मुंबई और दिल्ली की टीम सारे प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। 2 या 3 बदलाव ही आपको देखने को मिलेंगे उनकी टीम में। वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है मिनी ऑक्शन होने से, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वह टीम को रिबिल्ड करना चाहते हैं और बिल्कुल नए खिलाड़ियों को लाना चाहते हैं, और उनकी टीम में जो खिलाड़ी हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी पुरानी टीम के साथ ही आईपीएल 2021 में उतरना पड़ेगा और अपनी टीम में वह अगले साल ही बदलाव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं, खास करके जब भारत की बैटिंग में दिक्कत आती है तब सूर्यकुमार यादव का नाम चर्चाओं में निकलकर आ जाता है कि आखिर इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिला। सूर्यकुमार यादव आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्म में रहते हैं, और आने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैचों में खतरनाक बल्लेबाजी की है उन्होंने। पहले मैच में उन्होंने 31 गेंद पर 59 रन बनाए, और दूसरे मैच में उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 120 रन बना दिए, और तीसरे मुकाबले में 30 गेंद पर 61 रन बनाए। इनका ऐसा प्रदर्शन देखकर सभी हैरत में है कि आखिर इन्हें भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिलता। हालांकि ऐसा ही उनका प्रदर्शन रहा तो बहुत जल्द टीम इंडिया में उनको खेलते हुए आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों इस बार बीबीएल के स्टार प्लेयर हैं डेनियल क्रिश्चियन। डेनियल क्रिश्चियन का नाम दुनिया भर के T20 लीग में काफी ज्यादा मशहूर है, और लगातार वह इन लीगों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि डेनियल क्रिश्चियन आईपीएल में पुणे सुपर जायंट्स का हिस्सा रह चुके हैं। डेनियल क्रिश्चियन का नाम लगातार आईपीएल ऑक्शन में रहता है पर कोई भी टीम इनको खरीदती नहीं है, और बीबीएल में उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इस बार खतरनाक है, और जिस तरीके से वह खेल रहे हैं अब इस बात की गारंटी हो चुकी है कि आईपीएल की टीमें इन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए बिडिंग करते नजर आएंगे। और खबर आ रही है कि पंजाब की टीम ने इन्हें कॉन्टैक्ट तक किया है, क्योंकि वह चाहते हैं कि जिमी निशान की जगह खेलें डेनियल क्रिश्चियन, क्योंकि जिमी निशान ने काफी खराब प्रदर्शन किया था पिछले संस्करण में, और उनके परफेक्ट रिप्लेसमेंट के रूप में डेनियल क्रिश्चियन साबित हो सकते हैं। दोस्तों यह थे हमारे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आते रहते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ।